Hey दोस्तों, डॉक्टर लोथर ब्लैंक जो कि एक फेमस रॉकेट सोसाइटी के मेंबर थे और एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, उनको जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे रशिया के कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया था तो वहां की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। प्रिजनर्स को बहुत एक्सट्रीम लेबर करना पड़ता था, वो भी ना के बराबर खाने पीने के साथ, जो काम की डिफिकल्टी को हद से ज्यादा बढ़ा देता था। और तो और लोथर को जो काम करने का कोटा दिया गया था उतना काम और किसी भी कैदी को नहीं दिया गया था। ना कोटा की बात यह थी कि जो भी इंसान अपने कोटा के काम नहीं करेगा उसे फिर खाना नहीं मिलेगा और भूखा प्यासा ही उसे मरने छोड़ दिया जाएगा। हाँ, आपने सही सुना। अब यही सब बातें वहाँ के मैक्सिमम लोगों को इतना डरा देती थी कि वो लोग डर से ही हार मान जाते थे और कई बार मर भी जाते थे। लेकिन लोथर ये सब बारे में सोचते ही नहीं थे। इसके अपोजिट वो ये बिलीव करते थे और सोचते रहते थे कि आज नहीं तो कल मैं यहाँ से जरूर निकलूंगा कैसे भी। और यही स्ट्रॉन्ग मेंटल इमेज उन्हें सरवाइव करा रहा था। उन्हें कैसे भी वहां से निकलना था, इसलिए अब वो प्लान करने लगे उस प्रिजन से भागने का। हर दिन लगातार वो इमेजिन करते रहते थे कि कैसे वो वहां से भागेंगे। ना उनका जो घर था, उनके रिलेटिव्स का घर था, सब बर्बाद कर दिया गया था, लेकिन उनका एक सपना था कि वो एक दिन पक्का जाके लॉस एंजेलिस में सेटल होंगे। इसीलिए फिर वो वहीं जाने के रोज मेंटल इमेजेस अपने दिमाग में बनाने लगे। मेंटल इमेज की कैसे वो प्रिजन से निकल गए हैं और कैसे वो लॉस एंजेलिस के फेमस रोड पे ड्राइव कर रहे हैं अपनी ड्रीम गर्ल के साथ जिसे वो बहुत प्यार करते थे। यही सब इमेजिनेशन के साथ वो अपने आप को बार बार ये बिलीव दिलाते थे और अपने सबकॉन्शियस में उन्होंने ये बात बैठा दी थी कि वो वहां से एस्केप करके ही रहेंगे। अब यही सारी चीजें रेगुलरली सोचने की वजह से एक दिन फॉर्चुनेटली उनको एक आइडिया आ गया। उन्हें समझ आया कि वहां का जो वार्डन था वो यूजुअली कैदियों की गिनती करने में बहुत लापरवाही करता था, इसलिए कई बार जब वो गिनती करने के लिए कैदियों को बुलाता था तो लोथर जानबूझ के वहां नहीं जाते थे और गिनती के बाद निकलते थे, जिससे काउंटिंग में हमेशा एक कैदी कम लगता था, जो टोटल उन्हें नॉर्मल टोटल लगने लगा। इसके बाद फिर जैसे ही एक दिन लोथर को बाहर जेल से निकलने का मौका मिला तो वो वहां से चुपके से निकलकर छुप गए। अब गिनती में उनकी कमी से फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए किसी को भी जल्दी आइडिया नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो छुप छुप कर काफी टाइम लेके वहां से भाग ही गए। वो जेल से निकलकर जंगलों में चले गए। वहां वो जैसे तैसे सर्वाइव करके कोल्ड ट्रेन के पास चले गए, जिससे वो पोलैंड गए। वहां रहने के बाद फिर कुछ फ्रेंड्स के साथ वो स्विट्जरलैंड चले गए और एंड में फिर कुछ टाइम बाद वो गए लॉस एंजेलिस। और गेस व्हाट, वहां क्या हुआ? काफी टाइम बाद उन्होंने एक दिन रियलाइज करा कि वो उसी लड़की के साथ जिसके साथ वो अपने दिमाग में इमेजेस क्रिएट करते थे, उसी के साथ वही फेमस रोड पे ड्राइव कर रहे थे जिसके बारे में वो जेल में सोचा करते थे। देखो दोस्तों, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आप मानो या ना मानो, बट वो सच हमारी रियलिटी को चेंज करने की पावर रखता है, बस अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ उस पे भरोसा रखे रेपिटेशन का प्रॉपर यूज करके, जो हमें करना भी चाहिए। और यही है पहला लेसन अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूटिलाइज करने का, यूज करने का। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए अभी मैं आपके साथ ऐसे ही चार और लेसन शेयर करने वाला हूँ, जिसमें से आई फील लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे जरूर समझना। नाउ लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 2, सबकॉन्शियस टू गेट आइडियाज। फ्रेडरिक वॉन जो कि एक फेमस साइंटिस्ट थे, वो एक बार एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर रिसर्च कर रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि 6 हाइड्रोजन एटम 6 कार्बन एटम के साथ कैसे मिलके स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिसे बेंजीन कहते हैं, और ये चीज उन्हें बहुत कंफ्यूज कर रही थी। इसीलिए फिर उन्होंने थक हार कर कॉन्शियसली इसके बारे में सोचना बंद करा और फिर इनडायरेक्टली उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये प्रॉब्लम दे दी। कैसे? फिर वो दूसरे काम करने लगे बिना इसके बारे में सोचे। और यही करते रहने की वजह से कुछ टाइम बाद जब वो एक बस में ट्रैवल कर रहे थे एक बार, तो उनके दिमाग में सडनली एक पिक्चर आई, एक स्नेक की जो अपने ही पूंछ को काटने की कोशिश कर रहा था, एक पिन व्हील जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए। और फिर बस इसकी वजह से ही उनके दिमाग में द फेमस बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर उनके दिमाग में पैदा हुआ, जो आज केमिस्ट्री में हर बच्चा पढ़ता है। ऐसे ही निकोला टेस्ला, आइंस्टाइन और दूसरे भी कई साइंटिस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कुछ नया इन्वेंट करने के लिए अपने सबकॉन्शियस का यूज करते थे, उसे उस प्रॉब्लम को देके, जिसके कुछ टाइम बाद उन्हें आंसर्स के हिंट मिल जाते या कई बार सॉल्यूशंस भी मिल जाते थे। और इतना ही नहीं, कई सारे ग्रेट आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, राइटर्स अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं इंस्पिरेशन के लिए। एग्जाम्पल, रॉबर्ट लुईस स्टीवनसन सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को टास्क देते थे नए नए स्टोरीज बनाने का, जो करने के बाद वो कहते थे कि अगले दिन ही सुबह उनका माइंड उन्हें पीस बाय पीस नई स्टोरीज इन्वेंट करा देता था। ऐसे ही मार्क ट्वेन ये कहते हैं कि वो यूजुअली कभी भी काम नहीं करते थे, बल्कि उनके सारे ग्रेट आइडियाज, उनका ह्यूमर, उनका सबकॉन्शियस माइंड ही उन्हें प्रेजेंट करता रहता था, जिसका वो टाइम टू टाइम यूज करते रहते थे। अब देखो दोस्तों, थोड़ा लॉजिकली इसके बारे में सोचे तो देखो दोस्तों, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो आइडियाज जनरेट करने के लिए या सॉल्यूशंस निकालने के लिए इतना अच्छा इसलिए है बिकॉज उसके अंदर कोई बाउंड्री सेट नहीं है, कोई लिमिटेशन सेट नहीं है। और कई बार जो हम कॉन्शियसली सोच नहीं सकते, सबकॉन्शियस हमें वो सोचने में मदद करता है। थॉमस एडिसन कहते हैं कि नेवर गो टू स्लीप विदाउट अ रिक्वेस्ट टू योर सबकॉन्शियस। इसलिए आप भी अपने सबकॉन्शियस की पावर को यूज करना ना भूलो, उसे कमांड करना ना भूलो हर दिन। लेसन नंबर 3, सबकॉन्शियस हीलिंग।
हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24/7 बिना हमारे सोचे हमारी बॉडी के कई सारे काम को ऑपरेट करता रहता है, और वो हमारी बॉडी में पैदा होने वाले कई सारे डिजीजेस को खुद से क्योर करने की एबिलिटी भी रखता है। बस अगर हम ये अफर्म करें कि हम हेल्दी है और ये बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, तो फिर इसकी वजह से हमारी फिजिकल बॉडी भी वैसे ही हो जाती है। आपने कई बार ऐसे केसेस सुने होंगे मिराकुलस हीलिंग के, जब लोग किसी रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं या कोई चीज पढ़ते हैं या कुछ करते हैं जिसकी वजह से वो ठीक हो जाते हैं। ना उसका रीजन ये होता है कि उनका बिलीव इतना स्ट्रांग होता है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड उसे ही सच मानता है, जो फिर सच में उन्हें सही भी कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस में एक ब्लाइंड वुमेन थी मैडम बिरे, जिनको डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती है क्योंकि उनकी ऑप्टिक नर्व्स लाइफलेस हो गई है। पर फिर जब वो फ्रांस के एक होली प्लेस पर गई तो वहां जाके प्रे करने की वजह से उनकी आंखें ठीक हो गई। और इंटरेस्टिंग बात बस यही नहीं है, इंटरेस्टिंग ये भी है कि डॉक्टर्स ने बाद में एनालाइज करा, उन्हें देखा कि क्या हो गया अचानक से, कैसे उनका विजन नॉर्मल हो गया। तो जब उन्होंने चेकअप करा तो उन्हें पता चला कि उनकी ऑप्टिक नर्व्स टेक्निकली तब भी काम नहीं कर रही थी, वो डेड आइज थी, बट स्टिल वो उस आंखों से देख पा रहे थे, और उसका रीजन डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आया। ऐसे ही कई न्यूमरस केसेस ऑथर ने खुद विटनेस किए हैं जिसमें कई बार लोग अपने पैरालिसिस को भी ठीक कर चुके हैं। कैसे? बस अपने दिमाग में ही अपने आप को नॉर्मली चलता फिरता देखकर, अपने आप को अच्छा इमेजिन करके, अपने दिमाग में ये मान के कि वो नॉर्मल है। देखो दोस्तों, हमारा जो सबकॉन्शियस दिमाग है वो हमारी हेल्थ को अच्छा भी कर सकता है और उसे डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है अगर हम बार बार अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स लाए, बस यही सोचते रहे कि हम बहुत बीमार है और बीमार होते रहते हैं। ऐसे नेगेटिव थॉट्स हमें हेल्प नहीं करते हैं, इसीलिए उनसे दूर रहिए और बिलीव करो कि आप हेल्दी हो और हेल्दी रहोगे, क्योंकि बस ये पॉजिटिव सोच भी आपको काफी हेल्दी रहने में हेल्प करेगी। लेसन नंबर 4, सबकॉन्शियस टू अट्रैक्ट मनी एंड सक्सेस। एक बार ऑथर जब ऑस्ट्रेलिया में थे तब उन्हें एक लड़का मिला जो डॉक्टर बनना चाहता था, बट डॉक्टर बनने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तब ऑथर ने उसे समझाया कि कैसे उस लड़के के थॉट्स अगर सही डायरेक्शन में होंगे और वो अपने सबकॉन्शियस में अपने आप को डॉक्टर बनता हुआ दिखते रहेगा तो वो ये चीज एक दिन अचीव भी कर लेगा। नव ये बात उसे अच्छे से समझी नहीं, बट स्टिल वो वैसा करने लगा जैसा ऑथर ने कहा। नव कुछ टाइम बाद उसे एक डॉक्टर के क्लिनिक साफ करने का काम मिला। काम छोटा था बट स्टिल उसने पॉजिटिव सोच के साथ वो करना स्टार्ट किया। नव इसके साथ साथ उसने कई सारे और दूसरे काम किए जो दिखने में अच्छे नहीं थे लेकिन मेडिकल फील्ड से रिलेटेड थे। इसके साथ साथ वो हर दिन अपने आप को इमेजिन करता था डॉक्टर की डिग्री के साथ कि कैसे वो एक डॉक्टर बन चुका है और अपने हाथों में डॉक्टर की डिग्री लिया है। ना ऐसे ही कुछ महीनों बाद एक डॉक्टर ने उसको अपने लिए काम करने के लिए रखा। वहाँ उसका काम था इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करना और दूसरे फर्स्ट एड के वर्क करना, जो वो करने लगा, जिसके बाद उस डॉक्टर ने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया। क्यों? बिकॉज सच वो बहुत अच्छा काम कर रहा था और उसकी नॉलेज भी बहुत अच्छी थी इस फील्ड की। ना वो लड़के की इस मेहनत और लगन को देखकर वो डॉक्टर बहुत इंप्रेस हुआ और उसने डिसाइड किया कि वो उस बच्चे को अपने एक्सपेंसेस पे खुद मेडिकल कॉलेज भेजेगा, जो उसने किया भी, जिसके कुछ साल बाद वो लड़का फाइनली एक डॉक्टर बन ही गया जो फिर बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ अपनी पूरी कंट्री में उसके अच्छे काम के लिए। देखो दोस्तों, सक्सेसफुल होने के लिए पहले आपको अपने दिमाग में सक्सेस को इमेजिन करना होगा। कई लोग क्या करते हैं कि वो दूसरों की सक्सेस से जलते हैं या फिर पैसे को इविल समझते हैं, जिसकी वजह से वो सबकॉन्शियसली अपने आप को फिर कुछ बड़ा अचीव करने से रोक लेते हैं। वो सब गलत चीजें दिमाग में सोचते रहते हैं, जबकि उस लड़के ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कई बार अपने आप को डॉक्टर की तरह एक इमेजिन किया, जिससे फिर धीरे धीरे उसने अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी और उस अपॉर्चुनिटी का यूज करके आगे भी बढ़ा, जो चीज आपको भी करनी चाहिए। पर हाँ, एक बात याद रखो, अगर आपका सबकॉन्शियस आपके बिहेवियर से एग्री नहीं करेगा तब तक आप सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे। एग्जाम्पल, ऑथर की क्लासेस अटेंड करने के लिए एक आदमी आता था जो बहुत अमीर था, जिसका फ्रांस में एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था और वो इंग्लैंड में एक बहुत ही हाई क्लास लाइफ जीता था। पर सच तो ये था कि वो एक चोर था जो पैसे चुरा चुरा के अमीर हुआ था। ना ये चीज की वजह से वो अमीर तो हुआ था, बट इसकी वजह से ही उसका माइंड कभी भी सेटिस्फाइड फील नहीं करता था। वो हमेशा इस डर में रहता था कि कहीं से पुलिस ना आ जाए और उसे पकड़ ना ले, और इस सबकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो कभी भी अपनी लाइफ को अच्छे से जी नहीं पा रहा था। उसे कई सारे डिसऑर्डर्स और बीमारियां भी होने लगी, जिसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो अपने आप को सरेंडर कर देगा, जो उसने फिर किया भी। और फिर जब वो वापस आया तो उसने अच्छे से काम करना स्टार्ट किया और फिर वो वापस सक्सेसफुल इंसान बना बिना चोरी किए, जिसके बाद वो खुशी से जीने लगा। नो, ये स्टोरी से याद रखो, सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से आप सक्सेस को पा सकते हो, पर आपको उसके लिए पहले उसके ऊपर बिलीव करना होगा और अपने एक्शन और बिहेवियर को ऑनेस्ट रखना होगा, तभी आप खुशी से जी पाओगे। लेसन नंबर 5, टू ओवरकम फियर। ऑथर कहते हैं कि हम सबके अंदर दो टाइप्स के फियर होते हैं, एक होता है फियर ऑफ फेलिंग और दूसरा होता है फियर ऑफ नॉइज। नॉर्मल फियर, मतलब फियर ऑफ फेलिंग, हमारे लिए कई बार अच्छा भी हो सकता है क्योंकि वो हमें डेंजर से बचाता है। पर जो एबनॉर्मल फियर होता है, मतलब कि फियर ऑफ नॉइज, वो इरेशनल होता है, जो कई बार बस हमारे सराउंडिंग के लोगों की वजह से आता है, और हम जितना उसके बारे में सोचते हैं, जितना नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर लाते हैं, वो उतना ज्यादा बढ़ते जाता है। एग्जाम्पल,
ऑथर न्यूयॉर्क के एक बिजनेसमैन को जानते थे जो काफी सक्सेसफुल था, पर फिर कुछ टाइम बाद उसने अपने आप को इस फियर से भर लिया कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो अपने दिमाग में एक मूवी चलाने लगा जिसके अंदर वो बैंक्रप्ट हो गया है और फिर डिप्रेशन में चला गया है, और यही चीज वो हमेशा सोचता रहता था, सबसे इसी बारे में बात करता था, जिसके कुछ टाइम बाद फिर वैसा हुआ भी और वो सच में फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया। देखो दोस्तों, अगर हम अपने आप को ये सजेस्ट करें कि हमारे अंदर फियर को ओवरकम करने का पूरा पोटेंशियल है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव कराकर फिर एक्शन ले, तो हमारे सारे फियर, ऑथर बोलते हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगे। एग्जांपल, ऑथर के एक फ्रेंड थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में सोल्जर थे। एक बार जब वो प्लेन को फ्लाई कर रहे थे तो उन पर अटैक हो गया अचानक और उनका प्लेन डैमेज हो गया, जिसकी वजह से उन्हें जंगल के बीच में ही लैंड करना पड़ा। नाउ लैंड करने के बाद वो बच तो गए, पर पूरे जंगल में वो अकेले थे। शुरू में उन्हें बहुत डर लग रहा था, पर उन्हें पता था कि ये जो उनका फियर है उससे उन्हें लड़ना ही होगा अगर जिंदा रहना है तो। इसलिए फिर उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को ये बिलीव कराया कि वो एक्चुअली में सेफ है, जंगल में नहीं है बल्कि एक सेफ जगह पे है, जिसके बाद वो वहां से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढने लगे। नाउ ये चीज बार बार करने की वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे उनके माइंड से फियर जाने लगा और फिर उनका माइंड उन्हें गाइड करने लगा जंगल से निकलने में। नाउ ऐसे ही कुछ दिन चले, लेकिन कुछ दिन बाद वो उस जंगल से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो गए। नाउ बचने के बाद वो कहते हैं कि अगर मैं अपने फियर में इंडल्ज होने लग जाता और अपने फियर्स के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता तो मैं पक्का आज बच नहीं पाता था, मैं वहीं डर डर के मर जाता, बट नहीं, मैंने अपने फियर को ओवरकम किया जिसकी वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। इसलिए अगर आप चाहते हो कि अपने सबकॉन्शियस को अच्छे से यूज कर पाओ तो आपको अपने फियर से भी लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये थे वो 5 पॉइंट्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पावर को अच्छे से यूटिलाइज करने में आपकी हेल्प करेगा, अच्छी लाइफ, हैप्पी लाइफ जीने में हेल्प करेगा। सो उसे जरूर समझे, उन्हें अप्लाई जरूर करे। अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो। कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सी चीजें आप करते हो। शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि वो भी इसे सीख के कुछ अच्छा कर सके। और सबसे मेन, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो प्लीज दबा दीजिए और हमारे मिशन रीड इंडिया रीड का हिस्सा बने, जहां हम मिलके लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।